ये बारिश कौन से मौसम की हो रही है मेरे को भी नहीं पता। मैं ऑलरेडी 3-4 दिन रुक चुकी हूँ कि मौसम थोड़ा ठीक हो जाएगा तब मैं शूट करूंगी, नेचुरल लाइट आएगी तब मैं शूट करूंगी, बट मौसम ही नहीं खुल रहा है तो थोड़ा सा लाइट का इशू हो सकता है यार, एडजस्ट कर लेना। बट आज का कलेक्शन बॉम्ब कलेक्शन है जो मैं शेयर करने वाली हूँ। कोई भी क्रॉप टॉप नहीं है, क्रॉप टॉप नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शिल्पी एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्टार्टिंग में बता दें कि लाइट का थोड़ा इशू हो सकता है तो प्लीज़ थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है उसकी वजह से नेचुरल लाइट तो बिल्कुल ही है, बिल्कुल काला काला मौसम हो रहा है बाहर। और आज का कलेक्शन होगा मिंत्रा टॉप्स हॉल, इसमें आपके साथ में 7 से 8 टॉप शेयर करने वाली हूँ। मैं कहाँ गई, 7 से 8 टॉप शेयर करने वाली हूँ। कोई क्रॉप टॉप नहीं है, विदाउट स्लीव्स नहीं है, प्रॉपर टॉप आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने जो शॉपिंग की है वो की है मिंत्रा से, मिंत्रा पे कोई सेल भी चल रही है तो आप देख लीजिएगा, और भी क्या पता आपको सस्ते प्राइस में मिल जाए। सारे जो टॉप है अंडर 500 और 600 ही है, लिंक सारे प्रोडक्ट के आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से आप चेक कर लीजिएगा। अभी स्टार्ट करते हैं। गर्ल्स को रेड कलर पसंद है ना, वैसे मोस्टली गर्ल्स को पसंद होता है रेड कलर, ब्लैक कलर, तो ये वाला हॉल आपको काफी पसंद आएगा बिकॉज इसमें रेड कलर के काफी सारे टॉप आपको मिलने वाले हैं। फर्स्ट टॉप जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ब्राइट सा शेड है, बिल्कुल रेड शेड मिल जाता है आपको। आजकल मुझे ये वाला शेड काफी पसंद आ रहा है। इससे पहले मैंने भी आपके साथ एक रेड टॉप और शेयर किया था, वो क्रॉप था, बट इसमें आपको पूरी फुल स्लीव्स मिल रही है और इसकी जो नेक लाइन है ना वो भी बहुत सुंदर नेक लाइन मिल जाती है, ऐसे आपको थोड़ी रैप वाली मिलेगी। यहाँ पर आपको पफ स्लीव्स की डिटेलिंग मिल जाएगी और लेंथ देख सकते हैं, इसकी प्रॉपर लेंथ है तो आराम से आप टक इन वगैरह करके भी अपनी पैंट्स और जीन्स के साथ इसको यूज कर सकते हैं। इसका जो ब्रांड है वो है स्कॉर्पियस और मैंने जो साइज पिक किया है वो है मीडियम, बिकॉज मैंने स्मॉल मंगाया था ना तो यहाँ से चेस्ट से मेरे को थोड़ा सा टाइट था लास्ट टाइम जो मैंने मंगाया था, इसलिए मैंने थोड़ा मीडियम मंगाया है, बिकॉज ज्यादा टाइट टॉप ना मुझको अनकंफर्टेबल सा हो जाता इसलिए मैंने मंगाया। इसमें कलर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉप है रेड कलर में और ये बहुत ही सुंदर क्यूट सा टॉप है। इसका प्रॉपर लेंथ है, मतलब ज्यादा क्रॉप नहीं है एंड ज्यादा लॉन्ग भी नहीं है। इसमें पूरा ऐसे फुल स्लीव्स मिल जाएगी, यहाँ पर ऐसे आपको कफ की डिटेलिंग मिल जाती है, बटन्स की यहाँ पर डिटेलिंग है। ब्रांड इसका है U&F, साइज मेरा इसमें स्मॉल है। नेक आपको इसमें स्क्वायर मिल जाएगा, पीछे से बिल्कुल बंद नेक है, यहाँ पर ऐसे डॉट डॉट की डिटेलिंग है, रेड कलर है। इसमें भी कलर ऑप्शन अवेलेबल है लेकिन रेड कलर बहुत ही प्रिटी लग रहा था मुझे, ये एकदम से देख के मेरे को पसंद आ गया। तो इसमें कलर ऑप्शन है तो आप देख लेना, बट अगर आपको कुछ ऐसे पॉप अप शेड चाहिए, कुछ आपको रेड कलर पसंद हो तो डेफिनेटली देख सकते हैं। इसका जो मटेरियल है ना वो क्रेप वाला है, क्रेप क्वालिटी लाइक बहुत अच्छी तो नहीं है कि बहुत ही अच्छा, वैसे जो ऐसे एकदम मखमली सी एकदम मुलायम वाली क्रेप होती है वैसे तो नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत हार्ड क्रेप है। क्रेप की क्वालिटी अच्छी है, प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छा है क्योंकि अंडर 500 आपको ये टॉप मिल जाएगा। कलर आजकल ना बहुत ज्यादा ट्रेंड में है पर्पल कलर ना, तो मैंने इस बार ये पर्पल कलर पिक किया है एंड ये कुछ जैसे टाइन डाइन वाला होता है ना वैसा वाला फैब्रिक में है। इसमें इसका जो ब्रांड है वो है प्लस, साइज मेरा इसमें स्मॉल है। अंदर आपको इसमें लाइक्रा की लाइनिंग मिल जाती है क्योंकि इसका जो मटेरियल है वो ट्रांसपेरेंट है आगे पीछे, ओके इसका कुछ आगे पीछे, हाँ दोनों तरफ इसमें आपको लाइनिंग मिल जाएगी। और इसका लुक कुछ ना थोड़ा बैगी स्टाइल में है, इसमें स्लीव्स नहीं है, जैसे फोल शोल्डर वाले टॉप होते हैं ना कुछ उस टाइप से ये वाला टॉप है, तो इसका लुक बहुत ही ज़्यादा अलग सा है। नीचे आपको इलास्टिक की डिटेलिंग मिल जाती है यहाँ पर, ओके ये रैप वाला है और यहाँ पर ऐसे हुक की डिटेलिंग है। अभी साइड में आपके साथ मैं ट्राई ऑन या स्टाइलिंग शेयर करूंगी तो आप लुक देखना कि कैसा लगेगा। डिजाइन सेम आपको आगे पीछे सेम मिल जाता है एंड इस पे आप देखेंगे तो ऐसे सिल्वर कलर से कुछ जो शिमर होता है ना उस वैसे डिटेलिंग है। ये वाला टॉप में जो आपके साथ शेयर करूंगी ना ये मल्टीपर्पज है, अभी जैसे फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो गया ना उसमें काफी आप इसको यूज कर सकते हैं। ये आपको कॉटन में मिल जाता है, पेपलम स्टाइल है इसका। यहाँ पर आपको इसे छोटी छोटी प्लेट्स की डिटेलिंग मिलेगी। इसका जो स्लीव्स है वो एल्बो से थोड़ा ऊपर आएगी, यहाँ पर आपको ऐसे वी नेक मिल जाएगा फ्रंट पे और बैक से कुछ आपको ऐसे ग्लास वाला जो शेप होता है कुछ उस टाइप का मिलेगा, ऊपर से थोड़ा सा ब्रॉड और नीचे से थोड़ा नैरो इस टाइप से आपको मिल जाएगा, प्योर कॉटन में है एंड कॉटन पे आपको ऐसे छोटे छोटे से फ्लावर प्रिंट की डिटेलिंग मिल जाती है। यहाँ पर ऐसे 2 डोरियां भी दी हुई है पीछे, आप जिसको बांध सकते हो तो आप अपने इसके प्लाजो के साथ इसके साथ कुछ एथनिक लुक कर सकते, आप उसको अपनी जीन्स के साथ तो पहन ही सकते हो। मुझे बहुत क्यूट एंड बहुत ही प्रिटी लगा है, आपको ऐसे मिंट ग्रीन में मिल जाता है, चेक में ये टॉप है, पेपलम स्टाइल में है ये वाला टॉप भी एंड यहाँ पर इलास्टिक की डिटेलिंग है शोल्डर के पास, आपको ऐसे स्लीव्स मिल जाएगी।
ऐसे टू स्ट्रिंगी भी है जिसको आप नोट कर सकते हो ऐसे फ्लावर वगैरह की तरह, बो की तरह सेम आगे पीछे सेम आपको डिजाइन मिल जाता है, लाइक चेक है, ब्रांड इसका सजाफरस है और मैंने जो साइज पिक किया है वो स्मॉल है, तो काफी सुंदर सा टॉप है। अपने आप ऑफिस एंड कॉलेज के लिए इसको जरूर ले सकते हैं बिकॉज बिल्कुल भी रिवीलिंग नहीं है, कंफर्टेबल भी है, नेक इसका बहुत डीप नहीं है एंड इसका जो फैब्रिक है वो प्योर कॉटन में है। नेक्स्ट अब जो शेयर करने वाली हूँ वो आपको ये फ्लावर प्रिंट में मिल जाता है पूरा, इस पे ऐसे बड़े बड़े से फ्लावर प्रिंट की डिटेलिंग है, फुल स्लीव्स है, लेंथ इसकी इतनी है, थोड़ा सा क्रॉप में है, पीछे से आपको इसमें थोड़ा बैकलेस मिलेगा, ये वाला एक ऐसे दो बड़ी सी डोरिया दी हुई है ऊपर नीचे जिसको आप बांध सकते हो, तो काफी सही लग रहा था। आप इसको अपनी कोई प्लेन साड़ी वगैरह के साथ पहनोगे तो अच्छा लगेगा और इसका लुक ना थोड़ा सा बोहो वाला लुक है, मैं बहुत टाइम से इसको लेने का सोच रही थी लेकिन मेरा साइज नहीं मिल रहा था, फाइनली भी जाके मेरा इसका साइज मिल गया तो मैंने इसको परचेज किया। इसका जो ब्रांड है वो है बेरी लश और इसमें जो मैंने अपना साइज पिक किया है वो है मीडियम। सब जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है ये टू टॉप्स मिंत्रा से, ये मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ लेकिन मैंने इनको वॉश कर लिया, काफी बार यूज कर लिया इनको, लाइक मैंने इनको मशीन में ही वॉश कर लिया है, इजीली आप इनको मशीन में वॉश कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको इसका रिव्यू दे देती हूँ, ये आपने देखा होगा इसको मैं काफी यूज करती हूँ, इसका जो मटेरियल है वो जॉर्जेट में है, अंदर आपको लाइनिंग मिल जाती है, फुल स्लीव्स का ये टॉप है, वी नेक है इसका, तो काफी एकदम क्यूट सा प्रिटी सा ये वाला टॉप है, नीचे से थोड़ी सी फ्रिल की डिटेलिंग है तो मुझे बहुत सही लगता है इसका, ये वाला तो काफी अच्छा टॉप निकला, मतलब इसका जो ब्रांड है वो आई थिंक अनवी हो, मेरा साइज जो है इसमें वो स्मॉल है तो ये वाला टॉप अच्छा है, अपने ऑफिस वगैरह में आप पहन सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपके साथ ये वाला शेयर करूंगी टॉप, आपने देखा होगा मैं इसको मैंने आई थिंक लास्ट ईयर इसको परचेज किया था, इसका जो ब्रांड है वो है कॉस्टली और मेरा साइज स्मॉल है, बहुत ही क्लासी पीस है ये टॉप के लिए, थोड़ा सा नेक जो है डीप है बट उतना डीप नहीं है कि अनकंफर्टेबल हो, उतना डीप नहीं लगता, लेकिन मुझे इसमें जो बहुत ज्यादा परेशान करता है वो अंदर ना इसमें थोड़ा सा ऐसे आपको डिटेलिंग आती है वो थोड़ी सी ऐसे फ्लफी आती है, तो कुछ यहाँ पे ऐसे ऑर्गेंजा टाइप का यहाँ पे फैब्रिक लगाया हुआ है इन्होंने जिससे जो ये स्लीव्स है वो थोड़ा सा पफ स्लीव्स की डिटेलिंग लगे, तो उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे ना मुझे ये वाला जो फैब्रिक है ना वो चुभता है, थोड़ा सा इसमें जो स्लीव्स में जो ये वाला डिटेलिंग है इसकी वजह से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज ये टॉप जो है बहुत सुंदर लगता है, ब्लैक कलर के साथ पहनो, अपने लाइट कलर के किसी भी बॉटम वेयर के साथ आप पहनो। तो ये था सारा आज का टॉप का कलेक्शन, कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है तो मैंने अपने खुद के पैसों से परचेज किया है, मैंने सोचा बहुत टाइम से आप मिंत्रा से क्रॉप टॉप के लिए बोल रहे थे और अभी तो सेल भी है तो आप देख लेना कि आपको कुछ और भी अच्छे ऑफर्स में ये वाले टॉप मिल जाएंगे। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही और आपको पसंद आई होगा गाइस तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको सबसे अच्छा टॉप कौन सा लगा, अभी भी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज आप नीचे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।